आज के स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से पिछले लेक्चर में हमने रोडवेज की बात कर ली थी, क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज की बात कर रही थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवेज एंड पाइपलाइंस के बारे में। चलिए चालू करते हैं। माना कि रेलवेज पीछे छूट गए हैं रोडवेज से, बट आज भी इंडिया में जो रेलवे का नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। हमारे भारत देश में सबसे पहले रेलवे को लेकर आने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन थी या जो बोल लो कि चीज थी वो थे ब्रिटिशर्स। माना वो बहुत बेकार थे, बट कहीं ना कहीं उनका एक एक डेवलपमेंट हमारे काम ही आया। तो रेलवेज का फंडा क्या है? सिंपल सी चीज है, रेलवेज आप क्यों जाते हैं? ताकि आप ट्रेवल कर पाए, और लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करने में पैसा कम लगता है रेलवेज में, तो ये पता ही, क्योंकि रेलवेज एक गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग है। और जब भी हमें ज्यादा बल्क में सामान पहुंचाना रहता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो रेलवेज आपके लिए यूजफुल रहता है। बट रेलवेज इतने मतलब चीप होने के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग बहुत रहता है, बहुत ज्यादा टाइम रहता है, ये आप सबको पता ही। तो अब हम बात करते हैं रेलवेज का क्या क्या है। कि प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पैसेंजर्स, रेलवेज आर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब कम पैसा लगता है, एंड डेवलप इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री को भी डेवलप करते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री अगर लगी, एक इंडस्ट्री को दूसरी स्टेट में सामान भेजना है, तो आप रेलवेज से ज्यादा भेज सकते हो एज कम्पेयर टू रोडवेज। रोडवेज में फिर भी आपको कम सामान जाएगा, बट रेलवेज में ज्यादा जाएगा। फर्स्ट ट्रेन वॉज फ्रॉम मुंबई टू थाने, ये पहली ट्रेन हमारी जो थी वो कहां से थी? मुंबई टू थाने 1853 में, जो 34 किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी। सिंपल सा। रेलवेज आर मोस्टली बिल्ट ओवर नदन प्लेन बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन। भैया नदन प्लेन वाला एरिया कौन सा सर? हमें तो नहीं पता। अरे जैसे ये हमारा भारत देश, तो ये वाला जितना भी एरिया है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं नदन प्लेन। जैसे मैं आपको बताऊं, यूपी हो गया आपका, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये जो पंजाब अमृतसर वाला एरिया है, यहां पे बिल्ड किए जाते हैं। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि यूपी, बिहार, दिल्ली, यहाँ की एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब वहां का जो ट्रेवलिंग लोग करेंगे वो ज्यादा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां से पैसा। बट सेम चीज आप जब हिमालय देखोगे, हिमालय साइड पे कोई बिल्ड नहीं करता रेलवे। बहुत सिंपल सी रीजन है, एक तो वहां पे लोग बहुत कम रहते हैं और थोड़ा सा आइसी एरिया है, और जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, वहां पे भी बिल्ड नहीं होता। और ये भी आपको पता ही होगा कि जो ट्रेन को बिल्ड करना रहता है वो एक जो सरफेस होना चाहिए वो बहुत कड़क होना चाहिए, ताकि जो रेल का प्रेशर है वो हैंडल कर पाए। और रेलवे की कॉस्ट ज्यादा होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अब कुछ चैलेंजेस है जो हमारे रेलवे फेस कर रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल चैलेंजेस है। पहला, डिफिकल्टी टू ले रेलवेज इन डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट। आप डेजर्ट्स और फॉरेस्ट में इसे ले नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते। एंड आपने रोडवेज में देखा था कि हम इसे स्लोप पे भी नहीं लगा सकते, ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। दूसरा तीसरा पॉइंट तो बहुत आसान है कि आप बच्चे या आपकी मम्मी कभी कभी तो रेलवे से अपन भी बिना टिकट चढ़े, क्यों? वॉशरूम में छुप जाएंगे, टीसी जब आएगा, टीसी जब निकल जाएगा तो फिर आ जाएंगे वापस। ये होता है रेलवे टिकट, विदाउट टिकट अपन ट्रैवल करते हैं, इससे रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान है। कुछ लोग तो और भी डीट होते हैं कि क्या करते हैं, कुछ सामान चोरी कर लेते हैं, चादर वादर मिलती है अगर एसी कोच में तो वो लेके जाएंगे, जो वॉशरूम में अगर साबुन वाबुन पड़े, शैंपू पड़े, सब ले जाएंगे। ये होता है चैलेंजेस फेस बाय रेलवे। सिंपल सा टॉपिक। अब हम बात करते हैं पाइपलाइंस के बारे में। यार पाइपलाइंस कैसे सर ट्रांसपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी, बट ये मत सोचना कि पाइपलाइन से इंसानों को भेजा जाएगा, वो नहीं हो सकता। बट पाइपलाइन से आप ऑयल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, एलपीजी, ये जो जितनी भी लिक्विड कंटेंट वाली चीजें या गैसेस कंटेंट वाली चीजें हैं, आप इसे जरूर भेज सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके घरों में भी एलपीजी के पाइप तो लगे होंगे, वो पीले कलर के जिसका मीटर लगा होगा किचन में। तो वैसे केस में आप ट्रांसपोर्ट किसका कर रहे हो? ऑयल और नेचुरल गैसेस का। ये जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है कहीं ना कहीं आसान होता है, जो पेट्रोल है, पेट्रोल पंप में आता है, ये सारी चीजें। तो ये लिखा है यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल, पेट्रोल, गैसेस। अच्छा, जो इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं आपको पूरे गड्ढे खोदने पड़ेंगे, एंड आपको फिर उसके अंदर पाइप्स बिछा, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करो, बहुत महंगा पड़ जाता है। बट हाँ, इनिशियल कॉस्ट भले ज्यादा है, बट जो आफ्टर रिपेयरिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम है। रोडवेज की रिपेयरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, रेलवेज की रिपेयरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, बट कहीं ना कहीं जो पाइपलाइंस उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट नहीं होती, बहुत कम होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क से पाइपलाइंस के वो अपन देख लेते हैं। जैसे आसाम टू कानपुर एक नेटवर्क है, गुजरात टू जगदीश जलंधर इन पंजाब, जो गुजरात वाला एरिया वेस्ट में और पंजाब वाला नॉर्थ साइड, हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी, वही गुजरात टू यूपी हो गया।
तो कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क थे, आप भले इनको थोड़ा सा देख भी लेंगे तो चल जाएगा। चल तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में रेलवेज एंड पाइपलाइंस को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटरवेज एंड एयरवेज की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।